तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। अगर आप पबजी खेलते हैं और आप चाहते हैं कि आप पबजी को इंटरनल वॉइस के साथ में, यानी अपनी वॉइस के साथ में रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल से, तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही कमाल का ट्रिक बताता हूं। आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, आप अपने मोबाइल से यह काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हम पबजी खेलते समय गेम को कैसे रिकॉर्ड करें, वह भी इंटरनल माइक के साथ में, जो अपनी आवाज है उसके साथ में। ठीक है, जो आपने माइक लगाया है या तो आप बिना माइक के खेल रहे हैं, आप कैसा भी खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो मैं आपके लिए कहां से कितनी गजब की ट्रिक लाया हूं, तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और दोस्तों, आपको नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में, आपको कमेंट करके बताना है कि यह ट्रिक आपके मोबाइल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर नहीं वर्क कर रही है तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूं जो मैंने गेम रिकॉर्ड किया है, ताकि आपको भी विश्वास हो जाए, नहीं तो आप बोलेंगे यार बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज है, वह भी फुल क्लियर है। ओके, आप देख सकते हैं जो मेरी आवाज है पूरा क्लियर आ रही है, और जो मेरे बंदे हैं उनकी भी आवाज क्लियर आ रही है, यानी आप सारे लोगों का जो आवाज है क्लियर अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, वह सिस्टम आपके फोन में दिया है। आप थोड़ा सा और देख लीजिए, ठीक है, जो मेरी वॉइस है कितना क्लियर आ रही है, शायद ही आपको किसी और एप्लीकेशन में मिले। देखो आवाज कितनी क्लियर आ रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो मेरी आवाज है कितनी क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पबजी खेलते समय गेम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने वॉइस के साथ में, वह भी फुल क्लियर, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वह कैसे मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने नोटिफिकेशन बार को नीचे करना है। ठीक है, नीचे करने के बाद में आपको स्लाइड करना है, या तो शायद आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डर करके, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे में तो ये ऑप्शन है, शायद आप में नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी नए फोन आ रहे हैं, 4 GB से ऊपर वाले फोन आ रहे हैं, पुराने भी फोन में एमआई के नोट 4 में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी फोन आ रहे हैं उसमें आपको यह इनबिल्ड सिस्टम मिल जाएगा मोबाइल के, तो शायद आपके मोबाइल में यहां पर शो हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो आपको एक काम करना है, आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अगर आपके फोन में यह ऑप्शन नहीं है, एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ठीक है, तो एक ऑप्शन खुल जाएगा, फिलहाल मेरे फोन में एडिट का ऑप्शन है, तो मुझे एडिट में जाना है। ठीक है, यहां पर एडिट में जाना है, तो जैसे मैं एडिट में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि नीचे नीचे यहां पर कुछ ऑप्शन आ गए हैं जो ऊपर नहीं शो कर रहे थे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, आप देख लीजिए यहां पर यह जो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, यहां पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कहीं भी शो नहीं कर रहा, आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूं और मुझे स्क्रीनशॉट लेना है और मैं ऊपर ऐड करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको लॉन्ग प्रेस करना है और इसको लेके जाना है। ठीक है, कहां पर रखना चाहते हैं आपको छोड़ देना है। अब मैं बैक करता हूं, बैक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं कि यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको बटन नहीं दबाना रहेगा, बस आपको इस पर क्लिक करना है और आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट इसने ले लिया। ओके,
तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को यहां पर लेके आना है, ठीक है। लेके आने के बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी भी आपको एक सेटिंग करना है। अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे तो जो आपकी वॉइस है नहीं आएगी, ठीक है। आपको ध्यान देना है, आपको सेटिंग करना है। इतना करने के बाद में आपका काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ओपन हो जाएगा, उसकी जो सेटिंग है ओपन हो जाएगी। तो आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। यानी जो उसका रेजुलेशन है कितना होना चाहिए, फुल HD, ठीक है। जो उसकी क्वालिटी है कैसी होनी चाहिए, आप यहां से उसके वीडियो क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। 16 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps आप कर सकते हैं। आपको फुल HD चाहिए, कैसा चाहिए, आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो मेन चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड सोर्स है, जो मेन चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गेम खेलते समय। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। आपका पहले से म्यूट पर रहेगा, ठीक है, म्यूट पर रहेगा पहले से। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको माइक कर देना है, ठीक है। अगर आप हेडफोन लगा के खेलते हैं तो आपको माइक कर देना है। अगर आप हेडफोन लगा के नहीं खेलते हैं और आप चाहते हैं कि आपका वॉइस रिकॉर्ड हो, तो आपको कर देना है सिस्टम साउंड, ठीक है। आपको ध्यान देना है, अगर आप माइक लगा के खेलते हैं तो आपको माइक कर देना है, अगर आप हेडफोन लगा के खेलते हैं तो आपको हेडफोन कर देना है, अगर आप विदाउट हेडफोन खेलते हैं तो आपको कर देना है सिस्टम साउंड। बस आपको यही काम करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको बैक कर देना है। अब अगर आप यहाँ पे और कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल जो मेन चीज था यही था। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका फ्रेम रेट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वह भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। 30 PS, 48 PS, 60 PS, आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों जब आप इतना कर लेंगे, उसके बाद में आप गेम खेलना और आप गेम को रिकॉर्ड करना, भाई आपकी जो वॉइस है ना बहुत क्लियर आएगी। और जो आपका गेम है रिकॉर्डिंग के साथ में, आपके सारे बंदे की वॉइस आएगी, आपकी भी वॉइस आएगी। फिर आप उसको अपने यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जब आपकी वॉइस ही नहीं आएगी, फिर आप उसको रिकॉर्ड करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी की तरह शेयर भी करना चाहते हैं तो आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पबजी खेलते समय अपने वॉइस के साथ में, फुल HD वॉइस के साथ में पबजी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बेस्ट तरीका है। अगर आपके मोबाइल में यह ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आपके मोबाइल में यह ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर आप प्ले स्टोर पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन उन एप्लीकेशन में आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, उन एप्लीकेशन में आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन अगर आप कमेंट करके बता देंगे तो एक ट्रिक है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन पहले आप इसको ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।